जमीन किस सतह पे है, बिल्कुल आम चीज़ है। हम नीचे से ऊपर लोग चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं। वो आदमी जो ज़मीन पे फिरते हैं, जो ज़मीनी मिसाइल हैं उनको हल करते हुए मंजिलें तय करना और सबसे ऊपर की जगहों पे पहुँचना। इस पार्टी में किसी किस्म की कोई डोनेशन, कोई चीज़ माशा कि आपने टाइम दिया या आपने डोनेट किया, आपने तोजो की ये डोनेशन हुई, आपने किसी से बात की ये डोनेशन, आप मोटरसाइकिल पर बैठे, गाड़ी पर बैठे, आपने ट्रेवल किया ये डोनेशन। मेरे सारे से अलावा के ये थोड़े बहुत मशहूर शहर में बाकी यहाँ पे काम हुए हैं, बेशुमार रहते हैं। सादगी से, सच्चाई से, नीयत से और ज़ोर से चलने वाला आदमी हमेशा से। और मेरा जो शुरुआत है, आगाज़ है, वो इतने बड़े ख़ानदान का फर्ज होने के बावजूद मीडिया के बड़े रिकॉर्ड थे, जो ख़ानदानी बेइंसाफी नाहमवारी की वजह से उनको तालीम जब दिलानी पड़ी तो घर की औरतों ने, मेरी बुकियों ने, दादी ने मेहनत मुश्किल एक तरह से की, नाले परांदे और जुनेहे बना के, सूत काट के, कॉटन इकट्ठी करके उनको पढ़ाया। 1939 में वो ग्रेजुएट कराया उन्होंने हाई स्कूल के। उस एक ग्रेजुएशन से और उनकी मेहनत से बहुत हो गई हैं, लेकिन मेरी वो मुरब्बी हैं, मैं उनका एहसान मंद हूँ और मैं बड़ी खुशी से उनका जिक्र हूँ। जहाँ भी मुमकिन हो मैं कर सकता, जहाँ मैं पहुँचा मेरे तो बहुत कामयाब हुए। वालदा भी मेरी पढ़ी लिखी थी, वालद मेरे जो हैं वो 310 रुपये के मुलाजिम थे पुलिस में, 11 रुपया नहीं लाए, उसके हलाल खिलाया, बरकतें इतनी पड़ी कि हम सब पढ़ गए, साथ बहन भाई पढ़ गए। ज़िंदगी के सफ़र में मेरे सारे भाई माशाल्लाह अच्छे उदों पर, मैं आपकी खिदमत में अपने इलाके में, और उस सफ़र के लिए जो मैं 2010 में शुरू किया था, सारी उम्र की रफाकत नून के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ 1985 से जब मैं सिस्टम में था, उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था, गोल मंडी के एरिया मेरे पास था। और इलेक्शन वाले दिन उनसे मेरा बड़ा नाखुशगवार तारुफ हुआ, उनके वर्कर्स के साथ उन्होंने अपने इंतखाबी कैप बिल्कुल ऊपर चढ़ के लगाए हुए थे पोलिंग स्टेशन के, और मुझे घर पाने पड़े। नवाज शरीफ वो नहीं थे जो आज बन गए बेचारे, मुझे अफसोस है उनके लिए। नवाज शरीफ वो थे कि जब चीफ मिनिस्टर बने सबसे पहले मुझे बुलाया और कहा आप हमारे साथ काम करो, और मैं तब से उनके साथ काम करता रहा, उन्हीं के साथ ऊपर, उन्हीं के साथ नीचे, उन्हीं के साथ ज़ेर आताब, उन्हीं के साथ पोजिशन करते करते जब चीफ सेक्रेटरी बन गए, उनके पीछे पूरी अफवाह निभाई हमने उनके बाहर जाने के बाद। शरफ साहब फौज आपको बताया, मैं शहबाज शरीफ साहब का सेक्रेटरी था, कपड़ा सेक्रेटरी था, स्याह सफ़ैद के अक्रा से मालिक था हमेशा रहा। कुछ मुझे परेशानियाँ कुछ भी आई, ज़्यादा भी आई, और आखिरी 3-4 साल में मुझे फेडरेशन में भेजा गया। मैं 11 साल यूनिवर्सिटी भी जमा चुकी हूँ, इस्लामाबाद में गया तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है मेहनत की, काम किए, इसमें मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव और शौकत अज़ीज़ वज़ीर ख़ज़ाना तब के, बाद में वज़ीर आज़म, उनके साथ वहाँ से बैठी हुई। अल्लाह ने सारी उम्र मुझे हुक्मरानियत में रखा, और मुशर्रफ साहब पहले तो मेरे एहतियात में थे, लेकिन फिर वो इतने मैंने काम ऐसे किए उनके गुमशुदा अहकाम 5-5, 6-6 साल पुराने निकाल के
पाकिस्तान में नए करवा दिए। शौकत अजीज़ प्राइम मिनिस्टर बने, वो मेरे वजीर थे ख़जाना के, तो मुझे साथ लेके आए। फिर उनके इस तरह के काम, इस सड़क समेत जो हमारे सामने से गुजर रही है पूरे पाकिस्तान में काम करने का मौका मिला। मुशर्रफ साहब मेरे पास मीटिंग में प्रेसिडेंसी में होती थी, वर्दी में थे वो इसको एक बना लेते थे कि मैंने इससे बात करनी है मीटिंग में। उसके बाद चाय पे वो जरूर मेरे पास चल के आते थे कि मेहरबानी थी, क्योंकि उसने मुझे पसंद की, मैं अपने मेरिट पे अपने पाँव पे खड़ा हुआ। और मुझे पूछा एक से ज़्यादा दफ़ा, फिर अपने चीफ ऑफ स्टाफ से कहा यार से पूछो कहाँ लगता है, मैंने कौन सी पोस्टिंग उसको दूँ जो प्राइज़ तो। मैंने कहा मैं बड़ा खुश बैठा, मेरे दिल में क्या कि नवाज शरीफ साहब से मेरा ताल्लुक और ये उनका दुश्मन, उनको निकाला है तो मैंने इससे कोई फेवर नहीं लेनी, नौकरी मैंने की। वो वक्त निकल गया, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, मैं चीफ सेक्रेटरी लगा, उन्होंने मुझे लगाया उनकी मेहरबानी। और फिर मैं बंदा हूँ सीधा, बिल्कुल सीधा, आप शायद वक्त के साथ देखेंगे यार कि बेवकूफ तो नहीं है, सीधा आदमी। उन्होंने जो हमें तकरीर करके बताया, शहबाज शरीफ साहब ने बताया, वो मेरे नैन दिल के मुताबिक तभी सारी उम्र गुजरी कि आम आदमी की इज्जत करनी है, वो आया तो उससे चाय पूछनी है, पानी का गिलास पिलाना है, उसका काम करना है, वो सारी अच्छी बात है। वो मेरे मज़हब के ऐन मुताबिक इनके नौकरी इनके इस इकदार में आने से पहले मैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर था, और मेरा वहीं से तरीकाकार था कि दरवाजे खोल के बगैर दरबान के बैठना है, बाहर रख के लेके बैठना, और इसी वजह से हुआ। और बतौर चीफ सेक्रेटरी में मैं सेक्रेटरी के गेट पर बैठ के तमाम पंजाब के लोगों से मिलता, ना सिर्फ ये फिर मैं सब कुछ साथ लेके सारे ऑफिसर्स को पुलिस ऑफिसर्स को सेक्रेटरी साहबान को पूरे मैं सूबे में गया, हम लोगों का काम किए, इस हद तक के ड्राइवर में परेशानी हुई कि ये चीफ सेक्रेटरी जो है ये शहबाज से आगे इस टाइम में जा रहा है कि ये मसला ना बन जाए। हालांकि मैं उनके साथ था, लेकिन वो जो लोग खुद सेहत से शायद बहुत साफ नहीं होते वो ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं। और फैसला हुआ मेरे निकाले जाने से 3 महीने पहले कि अब ठीक है, तो सारे सियासतदान इकट्ठे हुए साउथ के सेंटर के, बिलखसूस इस ज़िले के भी, जब कसूर में मैंने डेवलपमेंट कराई कि यह सियासत का बेड़ा गर्क कर देगा नून की, क्योंकि अब्दुल जवाहर शाहीन को मैं लाया और 50 करोड़ रुपया भी लेके आया, 15-20 मिनट में 50 करोड़ रुपया कसूर को दिलवाया, 2 घंटे में अब्दुल जवाहर शाहीन को मैं लाया, 32.5 करोड़ लगा था जब ये रौले पड़ गए और सियासतदान तगड़े हो गए, और मेरी भी छुट्टी हुई, उसमें और भी फैक्टर थे, ये भी फैक्टर है, और फिर यहाँ के सियासतदानों ने रोए और शेख वसीम रोए कि जी ये तो बड़ा गर्क हो गया। और एक वजह ये भी थी कि कमीशन वगैरह नहीं मिल रहा था, 17.5 करोड़ जो बाकी पड़ा हुआ था उसका नहीं पता किधर गया है। फिर कहते हैं जी पैसा रोशन गीला ले गया, मैं ले आया, मैं सरकारी पंजाब से ले गया, सरकारी पंजाब से ला के मैंने लगाया, और मैं 37 साल में लाता रहा हूँ, मैं लगाता रहा हूँ दूर दराज टैंकियों में शुमार जमाता रहा हूँ, मैंने कभी जाके फट्टी नहीं लगवाई, कभी पीछा नहीं किया कि ये कसूर का काम है। छुट्टी हुई हमारी, वजह ये बनाई गई कि मेरी गाड़ी को चला रहा था मेरा ड्राइवर, जा रहा था मैं ड्यूटी पे, कोई बेचारा इंसान नीचे आ गया, उसने अल्लाह को प्यारा हुआ, उन्होंने पूरी कोशिश की पहले नंबर पर कि मैं गाड़ी के स्टेयरिंग पर बिठा दिया जाए, मैं स्टेयरिंग बिठा रही, मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी, FIR मेरे ड्राइवर के खिलाफ बेचारे की हो गई। फिर इस मौके को जाने नहीं देना चाह रहे थे, प्रवेश जशीर साहब की ड्यूटी लगी कि चैनल को इस्तेमाल करो, मीडिया को इस्तेमाल करो, इसकी किरदार कुशी करो, वकला की ड्यूटी लगी कि इसके ऊपर दूसरी FIR कराओ, सेशंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला, क्योंकि हुक्म ये था, ख्वाहिश ये थी नवाज शरीफ साहब की कि मुझे गिरफ्तार किया जाए।
और मैं तो गिरफ्तार नहीं हुआ। बहरहाल ये हुआ कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाया था, मुझे फिक्र नहीं इस बात। मेरी ग्रेड 22 में प्रमोशन हुई, इन लोगों ने उसकी नोटिफिकेशन नहीं की। तो मैं चंद हफ्तों के लिए इस्लामाबाद गया, वहाँ मेरी नोटिफिकेशन हुई। वहाँ से तकरीबन 4-4.5 साल पहले मैंने अपनी ग्रेड 22 की नौकरी छोड़ दी पीपल्स पार्टी के साथ। यूसुफ सगलानी से मेरे दोस्त हैं थे, इकट्ठे हमें कमरे में गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ते रहे। उनका ख्याल था, वो भी एक पर मिजाज के आदमी है, कि ये 3 खरब रुपया इसके पास है, मुझसे की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था पूरी पाकिस्तान में, तो उस पर ज़रा तब आजमाई होती जाएगा बेहतरी हो। मैंने फिर उनसे भी माजरत कर लिया थोड़ी तरफी के साथ, माजरत हुई। और मैंने उस मीटिंग आखिरी के बाद उनसे 6 हफ्ते काम करने के बाद, किसी कागज़ पर साइन करने के बगैर, जिससे कि मैं किसी को पैसे देता लेता, मैं तब कुछ हो गया। और 2010 में जब नवाज शरीफ साहब वगैरह ने मुझे मैंने बताई ये बात, इस तरह ट्रीट किया, वैसा सलूक किया, तो मैंने 2010 में 4 फरवरी को मैं फारिग हुआ था। मई की 28-25 तारीख को मैंने रोशन पाकिस्तान लीग की दरख्वास्त दे दी। मैंने कहा सियासतदान का जो मौजूदा ब्लड है ये किसी काम के नहीं आने का, कहना कुछ करना कुछ। और फिर अभी मुझे ये नहीं आइडिया था, ये जो बॉल में बॉलों में खबरें आई हैं, तैयारी थी जो मेरे करप्ट सबॉर्डिनेट थी उनकी अहमियत बड़ी बढ़ रही थी, और मेरे जैसे सारी उम्र की वफादार थी अहमियत ख़त्म हुई जा रही थी। बहरहाल तब से मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, लगा हूँ। पंजाब के काफ़ी ज़िला में मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, अपने ज़िले में मैं अभी काम कर रहा हूँ, पहले भी किया था। मेरा रब्ता ना हो सका बहुत से लोगों से, या नूनी की वजह से कि लोग उनके साथ उनकी अच्छाई की वजह से, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी औलादों को बहुत पढ़ा दिया है, सुकून वाले अच्छे हो गए हैं, कसूर में भी बहुत ज़्यादा शहर नहरें बह गई हैं, दूध की नहरें बह गई हैं। तो एक अजीब मिस्टीरियस तरीका है जिसमें हमारे गुलामाना जहन के सियासतदान भी, उनको तो बहुत फ़ायदे हैं, और एक आम आदमी को गुलाम बना के उन सोचने समझने से महरूम करके उसको उस पर डालते हैं। मैं उस गुलामी जहनी गुलामी को तोड़ने के लिए, आम बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, सेहत के लिए, अच्छे माहौल के लिए, थाने की बहुत बेहतर कारकर्दगी के लिए, इंसाफ का पहला स्टेप है पटवार थाने की बहुत बेहतर कार्यकर्दगी मैं करवाता रहा हूँ। ये एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये कोई चीज़ें नहीं है जो मैं कहूँ कि ये हो नहीं सकती। ये जानबूझ के मिसाइल पैदा किए गए पैसे खाने पीने के लिए, आवाम को मज़ीद अपने अहलकारों का सिस्टम का के हाथों परेशान करने के लिए। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मैंने देखी हैं, मैंने सुनी है। मैं अभी ये अपने दोस्तों के साथ प्रपोजल लेके आया हूँ कि आइंदा जो चेयरमैन ज़िला काउंसिल है उसका इलेक्शन मैं लड़ूँ, बड़े इलेक्शन से 1.5 साल जितना मुझे टाइम मिल जाए मैं ये बताऊँ कि ज़िला काउंसिल कितना काम कर सकता है। क्योंकि पिछले 72-73 साल में किसी भी ज़िले में नहीं हुआ पंजाब में, और कसूर में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। एक ख़ास ख़ानदान है जिसके ज़िम्मे लिख दिया गया है कि जनाब ये ज़िला काउंसिल वगैरह के सारे ये ज़िम्मेदार होंगे, कसूर में कौन सी बरादरी के ज़िम्मे होगा, ये वो चल रहा है। अरे भैया आपके जो आउट गोइंग चेयरमैन हैं राजा सिकंदर याद साहब, चेक कर लेंगे डीसी ऑफिस से, मैंने किया है। 55 करोड़ रुपया वो आखिरी ये 2 दिनों में उस चेयरमैनों के साथ मिलके ठेकेदारों को अडवांस दे गया, जिससे हम निकाल के खा रहे हैं कुछ उसका हिस्सा, कुछ ऊंचे छोटे चेयरमैनों का, और बाकी ये सारा खा पी के अगला इलेक्शन अपना उन्होंने खरीदने की पूरी तैयारी की हुई। और 55 करोड़ रुपया अगर लगे आप किसी एक 10-12-15-20 यूनिंग काउंसिल का अदा करने के, कितने उसमें तरक्की हो सकती है, कितने मसायल हो सकते हैं, कितने स्कूलों की बेहतरी हो सकती है, डिस्पेंसरियों की हो सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं, सारी उम्र मेरी गुजरी है लड़ाइयों में झगड़ों में, 11 साल में उसी ने मैंने कहा है 4.5 साल नौकरी करने छोड़ी, सारी उम्र नवाज शरीफ साहब के साथ रहा फिर छोड़ दी, उन्होंने मुझे छोड़ा, मैंने उनको छोड़ा, उसके बाद उन्होंने कोशिश की मैं वापस आ जाऊँ, 2 दफ़ा मेरे पास आए, उन्होंने इस मौजूद
कोई बात नहीं की, लेकिन आके चले गए। शहबाज शरीफ तीन दफ़ा आए, एक दफ़ा अपनी बेगम साहबा के साथ आए, अपनी बहू के साथ भी आए कि मैं वापस आऊँ, लेकिन मैं अब भी उनका अदब करता हूँ, लिहाज करता हूँ, काम नहीं कर सकता उनके साथ, ना मैं वो कर सकता हूँ जो वो करते हैं सियासत में। मैं ये सियासत का जो आपको मुख्तसर सा मैंने आपका दिया ही और पेश कर रहा हूँ, ये आपके सामने रखा है, आप इस पर तवज्जो करें। अगर ये चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं तो फिर बड़ा मेहरबानी कह लो, एक मेरे लिए सख्त कस्बा है, बिल्कुल सख्त है, जिसके दरवाजे मुझ पर बंद किए गए हैं, हालांकि मैंने कह लो का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। और ये तीन दफ़ा जो सड़क बनी है कसूस से ढीले से इधर, वो मैंने बनवाई है। बाज़ लोग कहते हैं किसी और ने, पानी की टैंकी मैंने उस वक्त बनवाई थी जब मैंने अपने रोशन के लिए, अभी ये पानी का सुआ निकाला जिसमें स्कैंडल है कि मैंने अपनी ज़मीनों को पानी लगाया, मेरी एक मरला ज़मीन सुए के ऊपर नहीं है ऐसे, और इसका फ़ायदा किसी हद तक शायद हमारे कैल मंदिर काफ़ी हद, और बेशुमार लोगों को जो ज़ाती तौर पर मेरे पास आए, मैंने हमेशा अब नहीं मैं करता, अब कैल मंदिर लोग आते हैं, मैं कहीं नहीं आया सर, मैंने सारी उम्र खिदमत की है, कसूर के हर फर्द की जो आया है मेरे पास मेरे दफ्तर में, इस्लामाबाद तक पीएम ऑफिस, सीएम ऑफिस, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस, डीसी का ऑफिस, डीसी लाहौर का ऑफिस, कसूर से बंदा है वीआईपी। और मेरे मजदूर को कमी है कि मुझे 37 वोट नहीं मिला, मैंने 37 साल काम किया अपने ज़िले में, मैंने इख्तियार देखा है सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज्जत अल्लाह से मुझे बहुत दिए, मैं लेके आया हूँ, यहाँ से नहीं मांगता, अल्लाह ने मुझे दिया, कोई भी नहीं मांगता, मैं अल्लाह से लाया, पैसा मैंने कमाना नहीं था, मैंने नहीं कमाया, ना सियासत मेरे पैसे का जरिया खुदा ना खास्ता हो सकता है कि मैं पैसे कमाने आया, हालांकि बेहतरीन माहौल है, जैसे पाकिस्तान में धोखा फ्रॉड के लिए हुकूमत करने के लिए बेहतरीन माहौल है, आप इसी लाइन में आ जाएँ, बेशुमार अच्छी रवायात यानी गंदी रवायात हैं, उनको ज़रा सा आगे बढ़ाएं और दुज़ख़ का ईंधन जितना मर्जी इकट्ठा कर रहे हैं। बात यह है कि मेरे बच्चे पढ़ गए अपने सेट में, सरकार में नहीं है कि मैंने उनको कोटा दिलाना होगा, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं वर्ल्ड लेवल, मेरे बड़े बेटे की किताब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, गार्डियन में, पाकिस्तान टुडे में, और आपका जो बिजनेस रिकॉर्ड है बेहतरीन एक इकॉनमी का जो अखबार है पाकिस्तान के अंदर, उसमें वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये सारे इकॉनमी के अंकल जो सिक्यू लेते हैं कि क्या बात है जावेद उमर जावेद साहब। मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा जो है मेरी बहू, बहू एक पढ़ी लिखी डॉक्टरेट है, और बड़ा छोटा बेटा जो है वो बरतानिया के साथ काम करता है, इकॉनमिस्ट के तौर पर एडवाइज़र है उनका। मेरी बहू जो है उसकी बीवी वो भी डॉक्टरेट है और वहाँ कैम्ब्रिज से है, वो पब्लिक हेल्थ की माहिर है, वो भी उनके साथ एडवाइज़र काम करती है, जब तक कि मैं उनको कहता नहीं कि बेटा छोड़, और वो अपने सेटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सारे टेबल की सेहतें ठीक हैं, ये भी मेरी ग्रेड 20 की प्रोफेसर रिटायर हुई है, हम दोनों की पेंशन और बतौर चीफ सेक्रेटरी जो कुछ मेरे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बिजली स्विच गैस वगैरह वगैरह, पेट्रोल समेत, नौकर समेत, तो 5 लाख के करीब मिलता है। मेरे सारे चाहने वाले दोस्त जो हैं सर्विसेज में, सब लोग मेरे आगे पीछे मौजूद हैं, तो वो आएंगे और आएंगे। मुख्तसर अगर आप लोगों ने मुझसे फ़ायदा लेना अपने लिए, अपनी औलादों के लिए, इस खित्ते के लिए, पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, मैं अपना फ़र्ज अजान के साथ पूरा करके जा रहा हूँ, बाकी आप लोग, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सर धड़ लगा रहा हूँ, आज ही मेरा 4th कट है, और अगर मुझे पसंद नहीं किया जाता एक चांस और दूंगा बड़े इलेक्शन का, उसमें भी पसंद नहीं होता फिर मैं रब से कहूँ कर, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया, तुमने मेरे पे एक कीड़े पे, एक बड़े आम घर के लड़के पे जो कि टूटे साइकिल पे भी जाता था तो टायर पता होता था स्कूल में, उसको तुमने यहाँ पहुँचाया, मैंने अपना फ़र्ज अदा किया है तेरी तरफ, मेरे हुकुम से धरती की तरफ, तो मैं 7वां साल है मैं अपने गाँव में, और
आज मैं जुआना चाहे किसी को स्टेशन के सामने खुला मैदान है चौपाल में उसे बैठा होता हूँ, जैसे कि मैं बतौर चीफ सेक्रेटरी भी बैठता था, ACDC भी बैठता था, किसी ने आना कोई वो नहीं है, इस पार्टी की कोई डोनेशन नहीं है, इस पार्टी में ना चाय पिलाई जाती है ना पी जाती है, ना खाना खिलाया जाता ना खाया जाता है। एक जगह हम गए कसूर में, तो उन्होंने मना करने के बावजूद खाना लगाया, मेरे किसी साथी ने खाया, हमने कहा जी हम तो खा के आए हैं, दीगर लोगों ने खा लिया, हमने खाना नहीं खाया, हमें नहीं खाना चाहिए। एक और जगह गए उन्होंने चाय का बंदोबस्त किया, कभी नया नया है लोग बाहर नहीं आते, हम सब ने चाय भी पी हुई थी, हमने वो जो कुछ ना चीज़ें हम मैंने कहा जी हम तो खा के आए। वजह 25,000 में पिछला इलेक्शन लड़ा था, इस वक्त 35,000 में लड़ूंगा, ताकि आम से आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी, जिसमें अल्लाह ने समझ रखी है, जिसको अपने मसाइल का एहसास है, वो असम्बली में आए, और वो लोग जिनको हमारे मसाइल का एहसास नहीं है वो असम्बली से तशरीफ ले जाएं, और जब बंदा ऐसा जाएगा असम्बली में कानून पॉलिसी वो बनाएगा जिससे कि इस ज़मीन पे चलने फिरने वालों का भला होगा। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ।